नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का कस्टमर हो, SBI एनीवेयर पर्सनल ऐप को यूज़ करके कैसे अपना मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। आप घर बैठे ही अपना मोबाइल में ही आप अपना मोबाइल को DTH को रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम अपना मोबाइल में चला जाते हैं और SBI पर्सनल ऐप को खोल लेते हैं। अब दोस्तों, हम अपना मोबाइल में आ गया है और जो SBI एनीवेयर ऐप है उसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इजी पिन या तो आपका जो ID पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग का वो डाल के लॉगिन हो लीजिए। मैं इजी पिन वाला ही ऑप्शन चूज़ करूँगा और वहाँ पे इजी पिन डाल के लॉगिन हो लेता हूँ। अब हम SBI एनीवेयर पर्सनल ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। हमें करना है रिचार्ज, टॉप अप रिचार्ज करना है मोबाइल का, किसी भी मोबाइल का स्पेशल रिचार्ज या टॉप अप रिचार्ज करने के लिए आप यहाँ पे टॉप अप रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। टॉप अप रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज करना है, DTH रिचार्ज करना है, तो टॉप अप ऑफ स्टेट बैंक वॉलेट्स का भी कर सकते हैं, टॉप अप ऑफ स्टेट बैंक प्रीपेड कार्ड्स को भी यहाँ पे कर सकता है। तो हम मोबाइल को रिचार्ज करना जानेंगे तो मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपली मोबाइल रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों बोला जाएगा यहाँ पे कि सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, सिम का जो कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें एयरटेल को रिचार्ज करना है एयरटेल नंबर को, तो यहाँ पे एयरटेल चूज़ कर लिए। फिर यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए, फिर जो अमाउंट है यहाँ पे डाल दीजिए, जितना अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहेगा। मैं फ़िलहाल 10 रुपये रिचार्ज करना चाहूँगा और यहाँ से आपका जो डेबिटेड अकाउंट है वो चूज कर लीजिए। हम अपना जिस अकाउंट से पैसा कटवाना है, मतलब वही जो मेरा बेसिक प्राइमरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो सिलेक्ट कर लिया हूँ, फिर सबमिट में क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मांगेगा आपको कंफर्म में क्लिक करना है, ये जो आप डाला है वो कंफर्म है कि नहीं, सही है ना, कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, कंफर्म में क्लिक करने के बाद देखिए, ये आपका जो मोबाइल नंबर है 10 रुपया सक्सेसफुल हो गया है रिचार्ज, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आपको दिया गया है। आपको अगर भविष्य में कुछ रेफरेंस करना है, इस रेफरेंस नंबर को लेके आप पूछताछ कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही आपका मोबाइल को रिचार्ज कर सकता है और आपको घर बैठे बैठे अपना इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके, अपना मोबाइल को यूज़ करके अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैं बताने जा रहा था आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।